और अब रात मेरी है। गुड मॉर्निंग स्वीटी, तुम्हारी नींद अच्छे से हुई? सुनो बेबी, मैं जाकर लीना को ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह देता हूँ, ठीक है? तुम थोड़ा और सो लो बेबी। वेट, माय लव, रिलैक्स, मैं उसे बताऊंगी, आराम करो तुम। अरे बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? थोड़ा सा, पर तुम चिंता मत करो, मैं अपने गले के लिए कुछ पी लूंगी अभी। तुम रेस्ट करो, तुम हर दिन काम करके थक गए होगे, डोंट वरी। बेबी थैंक यू। वैसे तुमने सही कहा है, मैं एक बार फिर से सोना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरा तो हार्ट अटैक ही हो जाता। आपने भी बॉस। और क्या हुआ? उसे पता चला? नहीं, थैंकफुली, पर उसने कहा कि उसे नाश्ता चाहिए। वेल, जाओ और नहा लो, कपड़े बदल लो। कितनी मजेदार रात थी मेरी। मेरा हस्बैंड सच में एक बेवकूफ है। बेबी, थोड़ा और सोने के बाद अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरी बैटरी फुल चार्ज है, 100%। गुड मॉर्निंग माय किंग। नौकरानी हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रही है, ठीक है? ओके बेबी। गुड मॉर्निंग,
मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। थैंक यू, लेकिन हम नीचे डाइनिंग रूम में जाएंगे, समझ गई? बेबी, तो फिर मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, फिर नीचे जाऊंगा। ऑलराइट हनी, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ, ठीक है? ओके बेबी। लव यू। लव यू मोर। देखो, ये सब उसके लिए जो तुमने मेरे लिए पिछली रात किया, और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए सब कुछ फिर से करो। बॉस, मुझे माफ कर दो, पर अब मैं और ये नहीं कर सकती। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है, और आज सुबह तुम्हारे हस्बैंड ने ऑलमोस्ट हमें पकड़ लिया था। देखती हूँ अगर मैं तुम्हें इससे राजी कर पाती हूँ कि नहीं। ये लो, भूलना मत कि यहाँ की मालिक मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। इसलिए एक अच्छी बच्ची की तरह सुनो, क्या तुम ये सब समझ गई? यस मैम। Good morning, baby. तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? बताओ मुझे अभी। ओह बॉस, कितनी शर्म की बात है। ओह माय गॉड, मैं ये नहीं करना चाहती थी, मेरा यकीन करिए प्लीज। मैं आपको सब सच सच बताती हूँ प्लीज। आपकी वाइफ यहाँ नहीं है, वो आपको चीट कर रही है। क्या? मैं ये नहीं करना चाहती थी, मेरा यकीन करिए, उसने मुझे फोर्स किया। आप एक अच्छे इंसान डिजर्व करते हैं जो आपको रिस्पेक्ट करे, आपकी वैल्यू करे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। करीना मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। क्या कुछ नहीं किया, उसने बहुत गलत किया। अब तुम मेरी बात सुनो, अब हम कुछ करने वाले हैं। अब तुम मेरी मदद करोगी पोल खोलने में, उस हार्पी की। समझ में आया? यस सर। Thank you.
बॉस, मुझे अपने पूरे दिल से माफ कर दीजिए प्लीज, पर मैंने ये सब कुछ जरूरत की वजह से किया। देखो तुम चिंता मत करो, मैं समझता हूं। ये लो, ये पैसे तुम्हारी जरूरत के लिए हैं, पर मेरी हेल्प करोगी उस चीटर की पोल खोलने में, समझी? क्या तुम जानती हो वो कितने बजे वापस आएगी? वो बस आने ही वाली होंगी बॉस। तो फिर वो करो जो तुम अच्छे से कर सकती हो, ठीक है? लेकिन इस बारे में कुछ नहीं जानती हो। मैं बस लेटी हो गई थी, ये लो। हनी, कैसे हो तुम? तुम्हें पता है ना, आई लव यू सो मच। हाँ, आई लव यू टू बेबी। बेबी, एक बात पूछूं, तुम्हारी रात कैसी थी बेबी? मेरी रात अच्छी थी माय लव। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही और फिर आखिरकार मैं सो ही गई। सच में? क्यों नहीं? बहुत ही सुंदर ना? क्या? क्या है ये? ये क्या है? इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। तुम कितनी एहसान फरामोश धोखेबाज औरत हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझे ये सिला दिया। हाँ, तुम एक मर्द की तरह मुझे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं करते, कभी नहीं। इसीलिए मुझे ढूंढना पड़ा बाहर सड़कों पे, वो मुझे वो दे जो तुम नहीं दे सकती। और जानते हो मैं ये सब क्यों बर्दाश्त करती हूँ? पैसों के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी करना चाहती थी, प्लीज।
तो अब समझी यहाँ क्या चल रहा है। तूने ही ये षड्यंत्र किया मुझे बुरा दिखाने के लिए। तू एक गद्दार है। You are fired. अभी के अभी निकल मेरे घर से। रुक जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा। ओ नहीं, एक जन जरूर ये घर छोड़ के जाएगा। और वो हो तुम, मतलबी औरत, धोखेबाज, मेरे घर से निकल जाओ तुम। और मेरे सामान? तुम्हारा सामान? तुम इस घर से कुछ भी नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि तुमको मैंने जो कुछ भी दिया है वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। इसलिए तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। निकल जाओ। झूठ और धोखेबाजी देर सवेर कभी ना कभी पता चल ही जाता है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो शायद आपने भी किसी का बुरा किया होगा, इसीलिए किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा आपके साथ भी हो सकता है, घर, रिश्ते सब खत्म हो सकते हैं।